मर जाओ मर जाओ। ए गरा, ए गरो, गरा गरा गरा, ए ए नीरू, नीरू, नीरू। आपका टिफिन। नीरू का है? दिख नहीं रही सुबह से। अब तक सो रही है क्या? नहीं, उठ तो गई थी। काफी देर से मैंने भी उसे नहीं देखा। नहीं देखा? नीरू, 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 नी क्या हुआ बाबू? यहाँ क्यों बैठो? इधर 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 बैठो, यहाँ बैठो। क्या हुआ? वहाँ क्यों बैठे हो? बाबा, टीचर कहती है लड़कियों की रक्षा उसका भाई करता है, लेकिन मेरा तो कोई भाई नहीं है, फिर मेरी रक्षा कौन करेगा? मैं करूँगा ना तुम्हारी रक्षा। और अब तुम्हारा छोटा भाई भी आने वाला है, तुम क्यों फिक्र करती हो? बाबा, मैं राखी किसको बांधू? राखी? ये राखी तुम अपने बाबा को बांध दो। जब तक तुम्हारा छोटा भाई नहीं आता, बाबा तुम्हारी रक्षा करेंगे, ठीक है? वाह, अरे वाह मेरा बच्चा, ये देखो अपनी पसंद की चॉकलेट खाना, वो भी दो दो, ठीक है? लाओ बाबा को पारी दो, पारी दो। सर, वो डॉक्टर से बात हुई आपकी? हाँ, बात तो हुई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसे केसेस में बड़ा लंबा वक्त लगता है। क्या इतने लंबे समय के लिए वहाँ रह पाओगे दिल्ली में? कैसे रह पाऊंगा सर? अरे प्रकाश मामा, आप इधर। नीरू बेटा, अरे प्लीज मुझे घर छोड़ दो ना। बेटा मुझे बहुत काम है, तू चली जा। मामा प्लीज, मामा प्लीज। नहीं बेटा, नहीं नहीं, बस मुझे काम है, तू चली जा। मुझे अरे मम्मी भी नहीं आई अभी तक, प्लीज छोड़ दो ना। अच्छा जल्दी बैठ, जल्दी। हाँ हेलो। हाँ ठीक है, रुको एक मिनट। नीरू बेटा, बेटा तू इधर से घर चली जा, मुझे कहीं और जाना है। मामा मैं कैसे जाऊंगी, मुझे डर लगता है। अरे बेटा एक मिनट रुक, उतर। ये ले मेरा बेटा, कोई आया तो उसे भगा दियो, ठीक है? ये ले, चल जा, चल जा, जा 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 जा। परेशान क्यों रही हो? कहाँ जाएगी, यहीं कहीं होगी वो। अभी तक नहीं आ रही। अच्छा तुम एक काम करो, तुम गोकुल भैया की गली में देखो, मैं माधव भवन में देखता हूँ। अरे तुम चिंता मत करो, मैं बोल रहा हूँ ना तुम्हें मिल जाएगी, तुम जैसे देखो और जैसे मिल जाए मुझे बता देना, ठीक है? देखो देखो, नीरू को देखा क्या? भैया आपने नीरू को देखा क्या? दीपक, मेरी नीरू, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। गए हैं ना वो लोग ढूंढने? नीरू को नहीं लाए, ढूंढ रहे ना हम लोग, मिल जाएगी। कहना तो नहीं चाहिए लेकिन खतरा भी तो बहुत बढ़ गया है जंगली जानवरों का। अब पिछले महीने पाटिलवाड़ी से लड़की उठा ले गया था तेंदुआ। नहीं नहीं, अरे ऐसा कुछ नहीं होगा दादा, ये कहीं उस बात का नतीजा तो नहीं है?
दादा और इंतजार नहीं करना चाहिए, चलो सीधा पुलिस स्टेशन। नीरू हमारी बेटी है साहब, हमारी इकलौती संतान, कल स्कूल गई थी, शाम तक लौट के नहीं आई। आपकी बेटी कल शाम से गायब है और आप लोग आ जा रहे हो? उसको ढूंढते ढूंढते पूरी रात गुजर गई सर। कौन से स्कूल में पढ़ती है? केपी जोशी हाई स्कूल में पढ़ती है सर, लेकिन अभी तक घर नहीं आई। आप करते क्या? वसई फाटे पे फर्नीचर फैक्ट्री है सर, वही काम करता हूँ, और हमारे मोहल्ले की चौल कमेटी का प्रेसिडेंट भी हूँ। ये मेरी बीवी योगिता, ये भी काम करती है सर, लेकिन अभी पेट से इसलिए घर पे रहती है। आपको किसी पर शक है? हाँ साहब, बिल्डर विजय डोंगरे। इस चौल कमेटी के अध्यक्ष हो तुम, अगर तुम हाँ बोलोगे तो सब हाँ बोलेंगे। मैं आखिरी बार बता रहा हूँ, हमें तुम्हारी शर्तें नामंजूर हैं। सीधी सी बात है, हमें तुम पर भरोसा ही नहीं है। वो आनंद नगर की बस्ती खाली कराई थी तुमने, क्या हुआ वहाँ? ना वहाँ कोई घर बनाए और ना ही तुमने किराए दे रहे हो। एक दिन आएगा जब तेरी अकल ठिकाने लगेगी और तू अपन को इधर ही ढूंढता हुआ आएगा। हम वहाँ पुश्तों से रहते हैं, किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं है। हमने रीडेवलपमेंट के लिए मना कर दिया, इसलिए चिढ़ा हुआ है वो हमसे, उसने धमकी भी दी थी मुझे। मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बच्ची को ढूंढ निकालिए साहब। मेरे हम लोग हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, फिलहाल आप लोग घर जाइए। ठीक है साहब, मैं करना जल्दी। सावन, इस विजय डोंगरे को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत कम समय में बहुत ऊंचा उड़ने लगा। विजय डोंगरे, भूषण सिंह ने बस्ती खाली करने से इनकार कर दिया तो उसकी बच्ची को किडनैप कर लिया तूने? क्या साहब, ईमानदारी की यह सलाह दे रहे हो क्या? अपुन ने गंदी नालियों से उनको उठाकर बिल्डिंग में घर देने का वादा किया, तो क्या कोई गुनाह किया? ये गुनाह नहीं किया, लेकिन उसका शक है कि तूने उसकी बच्ची को किडनैप किया है। मुझे तुम्हारी साइड की तलाशी लेनी है। थोड़ा कानून हम भी जानते हैं, सर्च वारंट लाए हो क्या? नहीं ना, अपुन की कोर्ट में पेशी है, अपुन जाते हैं। विजय डोंगरे, अगर बाद में मुझे पता चला इस किडनैपिंग में तेरा हाथ है, बिना वारंट के घसीट कर लेकर जाऊंगा तुझे। फिलहाल नीलू के स्कूल चलकर पूछताछ करते हैं। बच्चों, तुम लोग नीलू सिंह को जानती हो? हाँ, हमारी फ्रेंड ही है। अच्छा, कल स्कूल छूटने के बाद वो कहाँ गई थी? हम ईस्ट साइड गए थे, वो उधर गई थी। ठीक है, चल। इस लड़की को कहीं देखा है, जानते हो इसे? हाँ साहब, ये तो नीरू है। कल इसे एक आदमी अपने साथ लेके गया, ये उसे मामा मामा बुला रही थी। प्लीज मुझे घर छोड़ दो ना। बेटा मुझे बहुत काम है, तो चली जा। मामा प्लीज नहीं बेटा नहीं, तो मम्मी भी नहीं आई अभी तक, छोड़ दो ना। अच्छा बाबा, जल्दी बैठो। भूषण के घर जाके पता करते हैं नीरू के मामा के बारे में। ए भूषण, अपनी बेटी किडनैप करने का इल्जाम तू अपुन के सर पे लगाता है? साले जब संभाल ही नहीं सकता तो बेटी पैदा क्यों करता है? मेरी बच्ची के बारे में एक शब्द भी बोलो ना डोंगरे, तो याद रखना चीर के रख दूंगा। क्या करेगा तू साला? क्या चल रहा है डोंगरे? क्या ए, चलो क्या चल रहा है इधर? सब दोस्त है, अपन गले मिलने आया था इससे। गले मिलकर हो गया? चल सर,
निकलो घर पे। ए चल चला रे। आप दोनों पुलिस स्टेशन आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी। अपने माता पिता की लाडली नीरू गायब हो गई थी। मामला छोटी लड़की के गायब होने का था, इसलिए पुलिस संजीदगी से तफ्तीश पर जुटी थी। तो क्या भूषण की विजय डोंगरे से दुश्मनी इसका कारण थी या मामला कुछ और ही था? नीरू को आखिरी बार उसके मामा के साथ देखा गया था। मामा? हाँ प्रकाश, मेरा भाई नाला सुपारा में रहता है। सर प्रकाश कहने के लिए तो मेरा भाई है, लेकिन उसने हमेशा हमारे परिवार के नाक कटाने वाले ही काम किए हैं। नाला सुपारा में कहाँ रहते हो? किशनवाड़ी गली नंबर 2। हेलो, सर आइए सर, मैंने आपको कॉल किया था। बॉडी चेक कर। आप लोग आसपास देखो कुछ मिलता है क्या? सर गले को बुरी तरह मोड़ा गया है। लाश की हालत को देख के लगता है कि मरे हुए कम से कम 2 से 3 दिन हो गए होंगे, मतलब तकरीबन 10 तारीख। पर हालत देख के लगता है कि इसका रेप भी हुआ है। नीरू को आखिरी बार प्रकाश के साथ देखा गया था, हमें जल्द से जल्द प्रकाश को ढूंढना होगा। कब्रियों को काम पर लगा दो और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ये विजय डोंगरे, उसके कॉल रिकॉर्ड निकालो और लोकेशन बता दो, पर पता करो कि इन दिनों ये यहाँ आया था या नहीं। जी सर, लेकिन सर ये भी तो पॉसिबल है कि पूरी प्लानिंग प्रकाश की, उसी ने सब किया। हो सकता है। गुमशुदा नीरू आखिर मृत पाई गई, उसकी इस निर्मम हत्या के पीछे क्या राज है? पुलिस की तफ्तीश में अब तक कई नाम सामने आ चुके थे जिनमें विजय डोंगरे प्रकाश मुख्य थे, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लगे थे। लेकिन पुलिस हर एक पहलू की बारीकी से जांच कर रही थी। राखी तुम अपने बाबा को बांध दो, जब तक तुम्हारा छोटा भाई नहीं आता बाबा तुम्हारी रक्षा करेंगे। ठीक है, जाने दे मुझे, जाने दे या चल मेरे साथ। जाने दे, जाने दे, जाने दे। हाँ दिखा, ये लो मैं अन्ना दादा के घर से खाना ले आई। जा पहले ठंडा पानी लेके आ। वो तो मैं पहले से ही लेके आई सुनील काका के घर से। मेरी प्यारी बच्ची, ला मुझे पानी दे। सर नीरू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत गले की हड्डी टूटने की वजह से हुई है।
उसके बॉडी पे कई जगहों पे चाकू के निशान है, प्राइवेट पार्ट्स पे भी। उसके जेनिटल्स को डैमेज किया गया और उसके साथ रेप भी हुआ। इसका मतलब मर्डर का मोटिव कुछ और ही है। मतलब? हो सकता है, कभी कभी दुश्मनी निकालने के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। सिर्फ प्रकाश कभी कहीं कुछ भी पता नहीं चल रहा, शायद कहीं चुपके बैठा है। अपना बच्चा नहीं संभाल सकते, हमें बच्चा पैदा ही नहीं करना चाहिए, हमें बच्चा पैदा ही नहीं करना चाहिए। नहीं चाहिए मुझे बच्चा, नहीं चाहिए मुझे। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अमन, अमन। हाँ भैया। अमन, दीपक, बच्चा, इधर। क्या हुआ भैया? 10 दिन हो गए साहब, आपने कहा शांति बनाए रखो, हमने किया, लेकिन अभी तक मेरी निर्दोष बेटी का हत्यारा वो विजय डोंगरे आजाद घूम रहा है। क्या किया है आपने? हत्यारा जो कोई भी है हम उसे पकड़ लेंगे, हमें हमारे तरीके से काम करने दीजिए। सर, हमारी बिरादरी की कल रात को एक लड़की गायब हो गई है, कुंजी नाम है उसका, अपनी नानी के साथ मंदिर में रहती थी। सर इन्हें लोगों ने गायब कराया उन्हें, और इन लोगों की चाल है हमें फंसाने की, सब हमसे बदला लेना चाहते हैं ये लोग। भूषण ने किया है, सब अरेस्ट कीजिए। अरे अपने को बचाने के लिए इल्जाम मेरे पर डाल रहा है, तूने ही मेरी बेटी को मारा है और तूने उस लड़की को भी गायब किया, समझा? अबे ओ औकात में रह भूषण, औकात में रह भूषण। चुप चुप, लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करोगे तो सबको अंदर करूंगा मैं। एक दूसरे पर इल्जाम डालने से लड़की नहीं मिलने वाली। नीरू को जिसने भी मारा है हम इसे अरेस्ट करेंगे। डोंगरे थोड़ा बहुत कानून तू भी जानता है ना, लड़की अगर मिसिंग है तो उसकी पहले कंप्लेंट लिखवानी पड़ती है, जाके कंप्लेंट लिखाओ। राणे कंप्लेंट लिखने जाएं जी, चलो जा, जाओ निकलो, चलो। सर दो चीजें हो सकती हैं, एक तो इन लोगों ने इस विजय डोंगरे पे नीरू के मर्डर का इल्जाम लगाया, विजय डोंगरे ने खुद को बचाने के लिए खेल खेला, या फिर ये भी हो सकता है कि विजय डोंगरे ने सच में इन लोगों को डराने के लिए नीरू को उठाया और उसे मार दिया, और इन लोगों ने बदला लेने के लिए कुंजी को गायब कर दिया। या फिर मामला कुछ और हो सकता है, 10 दिनों में 2 लड़कियां गायब हुई है। काम करो, खबरियों को अलर्ट करो, गाँव में नजर रखने के लिए बोल देना, किसी भी हाल में ये कुंजी को ढूंढ निकालना है। सर नीरू की मौत के बाद आरोप प्रत्यारोप का बाजार भी गर्म हो गया था, भूषण और विजय डोंगरे आमने सामने आ गए थे, लेकिन नीरू की मौत की सच्चाई अभी भी एक पहेली बनी हुई थी। तो क्या गायब हुई दूसरी लड़की कुंज के साथ भी कुछ ऐसा ही दुष्कर्म होने वाला था? बाबा, टीचर कहती है असली घी खाने से ताकत मिलती है, फिर किसी से भी लड़ सकते और अपनी रक्षा भी कर सकते हैं। इसीलिए तो कहता हूँ और खाओ घी। नहीं बाबा, आप खाओ, आपको मेरी रक्षा कर रही है ना, और मम्मी को भी खिलाना चाहिए ताकि छोटे भाई को ताकत मिले मेरी रक्षा करने के लिए। लो मम्मा। अरे थोड़ा सा थोड़ा। जाना जल्दी जाना।
मुझे तो लगता है कुंजी की मनगढ़ंत कहानी बनाकर उन लोगों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। पुलिस सब कुछ नहीं करी, जो करना है ना हम ही लोगों को करना है। पूरी तैयारी के साथ चलते हैं, किस्सा ही खत्म कर देते हैं। चलो कहाँ जा रहे हैं आप? अरे छोड़ो मुझे तुम। अरे पागल हो गए हैं क्या? गुस्सा शांत कीजिए, बच्ची तो हम लोगों ने खोई दी है, अब आप भी जेल जाइए। मुझे भरोसा है ऊपर वाले पे, वो हमारी नीरू को जरूर इंसाफ दिलाएगा। मैं 21 दिन का उपवास करूंगी, आप कुछ मत कीजिए। अरे पागल हो गए हो क्या तुम? कुछ चाहे तुम्हारे पेट में, तुम इन सब में मत पड़ो। नीरू की मौत और अब कुंजी का गायब होना, पुलिस ने इसके चलते अपनी छानबीन का दायरा और बढ़ा दिया। सर, विरार के रास्ते पर एक बच्ची की लाश मिली है। क्या? गाड़ी निकालो। चलो ऑटो पीछे पीछे ऑटो। सर ये बाल कुरेद कुरेद के निकाले गए और बॉडी पे इंजरी मार्क्स भी, लगता है टॉर्चर किया गया। सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है कि नहीं ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। ये सब कुछ हमें गुमराह करने के लिए किया जा रहा है, जरूर इसमें लोकल आदमी इन्वॉल्व है। सर दोनों तरफ से पहले एक एक लड़की गायब हुई, फिर दोनों की लाशें मिली, पहले भूषण की बेटी नीरू, रब ये विजय डोंगरे की बस्ती की लड़की कुंजी, और इस प्रकाश का भी अब तक कुछ पता नहीं चल रहा। सर कहीं भूषण ने अपनी बेटी का बदला लेने के लिए कुंजी को मारा तो नहीं? हो सकता है। सबसे पहले हमें यह पता करना है कि कुंजी को आखिरी बार किसके साथ देखा गया था और कुंजी और नीरू के बीच क्या कनेक्शन। लाठी थी मेरी कुंजी, चली गई मुझे, मुझे अकेला छोड़ के चली गई। नीरू और कुंजी की हत्या के बाद पुलिस पर जबरदस्त दबाव बढ़ गया था, लोग आपस में उलझने लगे थे, इसलिए उन्होंने अपनी तहकीकात की दिशा के दायरे खोल दिए थे। हर छोटी बड़ी लीड को बड़ी ही बारीकी से जांचा जा रहा था। दादा अगर उन लोगों से हमने बदला नहीं लिया तो भूषण और भी सर पे चढ़ जाएगा। उसने ही नीरू की मौत का बदला लिया और कुंजी को मारा है, अभी हमें ही कुछ करना पड़ेगा दादा। अभी मामला बहुत गर्म है, उसकी बच्ची गई है तो हमारी भी, पुलिस अलर्ट है। एक बार ये मामला ठंडा हो जाए उसके बाद उन सालों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। नई साइट पर भूमि पूजन होनी है, समझ गया ना? हेलो सर, प्रकाश का पता चल गया है। आखिरी बार नीलू को तेरे साथ देखा गया था, सच सच बता दे वरना यही उल्टा लटका के मारूंगा। सर वो मैं सर। अरे प्रकाश मामा आप इधर। अरे नीलू बेटा। अरे प्लीज मुझे घर छोड़ दो ना। बेटा मुझे बहुत काम है तो चली जा, प्लीज छोड़ दो ना। अच्छा जल्दी बैठ जल्दी। हाँ हेलो नीरू बेटा, बेटा तू इधर से घर चली जा, मुझे कहीं और जाना है। मामा मैं कैसे जाऊंगी, मुझे डर लगता है। अरे बेटा एक मिनट रुक। उतर, ये ले मेरा बेटा, कोई आया तो उसे भगा दियो, ठीक है? ये ले, चल जा चल जा 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 जा, जा, जा। कहानी अच्छी सुनाई तूने, एक बात बता, नीरू से मिलने तू यहाँ तक आया लेकिन अपनी बहन और जीजा से नहीं मिला, क्यों? वो दरअसल सर मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ सर, सर उसी से मिलने निकल गया था सर। सर उसका नाम नीलोफर है और वो दूसरे धर्म की है तो इसलिए थोड़ा टेंशन है। नीलोफर के भाई गुंडे हैं सर और वो मुझे मारने की धमकी दे रहे थे और इसलिए मैं छुप गया था सर। अच्छा 10 तारीख को नीरू को मिलने के बाद कहाँ गया था? सर विरार माता रानी के मंदिर।
ये नीलोफर रहती कहाँ है? सर भूषण जीजा जी की बस्ती में। रानी सर लेकर आओ उसे। सर 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 आप जो पूछना मुझसे पूछिए ना सर, प्लीज मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं सर? हम तेरी जिंदगी नहीं बर्बाद कर रहे, हम हमारा काम कर रहे हैं। इसे जानती? नहीं सर, मैं इसे नहीं जानती। ये तो हमें कुछ और ही बता रहा है, सच में नहीं जानती? नहीं सर। सावन झूठ बोल रही है, शुरू हो जाओ। बोलो। सर वो हम एक दूसरे को प्यार करते हैं और ये बात किसी को नहीं पता थी। और नीरू को पता चल गया इसलिए उसे रास्ते से हटा दिया। नहीं सर, नीरू को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। हम लोग तो भागकर नासिक जाने वाले थे ताकि वहां जाकर शादी कर सके, और इस सब में सोनू हमारी मदद कर रहा था। सोनू कौन? सर वो बचपन में मेरे साथ पढ़ता था, वो मेरी और प्रकाश की शादी करने में और रहने में मदद कर रहा था। हाँ साहब, वो नीलोफर मेरी क्लासमेट है। अब मामला प्यार का था तो दोस्त होने के नाते मैं भी मदद करने वाला था। ठीक है। ओके सर। पहले नीरू के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या, और अब कुंज की हत्या करने वाला आखिर था कौन? असली मुजरिम तक पहुंचने के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही थी। कुछ अहम तथ्य पुलिस के हाथ लगने को ही थे। हाँ साहब, ये काम अशोक की बीवी विनीता का हो सकता है। मुझे लगता है नीरू को उसी ने मारा है और कुंजी को भी उसी ने गायब किया होगा, और कुछ दिनों से वो काफी बदल गई है। साहब मुझे भी पहले यकीन नहीं था, लोग कुछ भी अनपछनप बातें करते थे, मगर एक बार मैं अपनी बिल्ली मुखी को ढूंढते हुए गई तो मैंने देखा उसके अंदर छुपे हुए जिन्नों का काम है, लेकिन कर विनीता रही है। साहब आप वो आशा को ही पूछ लीजिए, पहले तो वो जानवरों का शिकार करती थी लेकिन अब वो छोटी बच्चों को शिकार बनाने लगी है। साहब ये काला जादू है। कौन करता है ये सब? नहीं साहब, इसके बारे में बताएंगे तो हमें लग जाता है। साहब माफ करो हमको। देखो हम जानते कि तुम विनीता के बारे में बहुत कुछ जानती हो, अगर तुमने हमारी मदद की तो विनीता के प्रकोप से हम सिर्फ तुम्हें नहीं बाकी के लोगों को भी बचा सकते हैं। बोल दो जो कुछ भी जानती हो। साहब एक बार इस विनीता ने पांच थे बोला था ना रास्ते में नहीं सोने का, बोला था ना रास्ते में नहीं सोने का। बेटा अशोक बचाओ, बेटा अशोक बचाओ। उसके बाद उसके साथ जो बीमार पड़ी तो उठी ही नहीं, खत्म ही हो गई। विनीता श्रापित है, सात जिन है उसके अंदर, कई सालों से उपाय कर रहे हैं, दो को बदन से निकाल दिए, अब पांच बचे। हो सकता है जिन निकालने के लिए कुछ किया हो बच्ची के साथ। ये लोग किसी तांत्रिक मंत्र के पास भी जाते हैं क्या? पता नहीं साहब। ठीक है सर, हम मान भी ले कि विनीता ने ही दोनों लड़कियों का खून किया, पर नीरू का रेप कौन कर सकता है? साहब इस पे जिनों का साया है, लेकिन कुछ भी हो जाए साहब ये किसी इंसान का बुरा नहीं कर सकती। इसकी ऐसी हालत कब से? चार साल हो गए साहब। डॉक्टर को दिखाया? हाँ साहब, लेकिन कोई फायदा नहीं। तुम इसे तांत्रिक मंत्र के पास भी लेकर गए थे क्या? नहीं साहब। नहीं, पेट में बाहर आना चाहता है, पेट में है बाहर आना चाहता है, पेट में बाहर आना चाहता है, पेट में है बाहर लेके जाओ, पेट में है बाहर आना चाहता है। विनीता चुप चुप, पेट में है बाहर आना चाहता है। शांत हो जाओ, शांत शांत, बाहर आ, पागल हो गया तू? हाँ सर पागल हो गया हूँ मैं तंग आ गया हूँ साहब, मुझे फांसी पे लटका दो साहब, मुझे फांसी पे लटका दो साहब, मैं जीना नहीं चाहता हूँ साहब। आना चाहता है।
इन्फॉर्मेशन मिली है कि कल्याण भिवंडी रोड पे एक तांत्रिक को देखा गया। उठाकर लेकर आओ उसे। सर कहिए किस कारणवश हमें याद किया गया? नीरू और कुंजी नाम की लड़कियों के बारे में आपसे पूछताछ कर। मैं कुछ समझा नहीं साहब। मैं समझा था। इन दोनों की लाश हमें संदिग्ध हालत में मिली और लाश के आसपास जादू टोना मंत्र तंत्र का सामान मिला। आपका शक सही निकला। नीरू के मर्डर स्पॉट से थोड़ा दूर जादू टोने और तंत्र मंत्र का सामान मिला है। जैसे कुंजी के मर्डर स्पॉट पे मिला था। ठीक है, वहां आसपास के एरिया में तांत्रिकों की तलाश तेज करो। क्या चल रहा है ये सब? मैं क्या जानू साहब कि क्या चल रहा है। फिलहाल तो दबाव चल रहा है पुलिस का। देखिए साहब, मैं तो सीधा साधा शांति का पुजारी हूँ। ये अघोरी विद्या के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। देखिए साहब, मैं सीधी साधी समस्या का सीधा साधा समाधान देता हूँ। तुमने नहीं तो तुम्हारे किसी शिष्य ने किया होगा या फिर किसी मरीज ने तुम्हारे कहने पर। देखिए, मैं कोई झोला छाप बाबा नहीं हूँ, घर द्वार लेकर बैठा हुआ हूँ। मैं तो केवल आयुर्वेदिक उपचार करता हूँ और ये आत्मा के शुद्धिकरण के लिए धार्मिक ग्रंथों से उसका इलाज करता हूँ साहब। आप चाहिए तो मेरे बारे में किसी से भी पूछ सकते हैं। कई सालों से मैं इस आश्रम में बैठा हुआ हूँ। फिलहाल इस लॉकअप को ही अपना आश्रम समझो। जाने दे कौन? नहीं नहीं साहब, शौकी बाबा ऐसा कोई अघोरी उपाय नहीं करता है और बलि बलि के बारे में मैंने कभी नहीं सुना। हाँ साहब, वो बिनीता आती थी शौकी बाबा के पास। सर, शौकी बाबा से इलाज करवाने वालों में से एक बिनीता भी थी। अशोक ने तो हमें बताया था कि वो किसी तांत्रिक के पास नहीं जाता था। बुलाओ उसे। और इस प्रकाश का क्या करें? उसके एलिबाई तो सच निकले। फिलहाल तो जाने दे, लेकिन नजर रखना उस पर। कभी कभी मौका मिलते ही कातिल सबूत मिटाने की कोशिश करता है और पकड़ा जाता है। छोड़ दो उसे। सर सजा हम देंगे। चल मेरे साथ। अब किस बात की देर इंस्पेक्टर साहब? तांत्रिक मिल गया ना आपको? या तो उसे सजा दो या हमारे हवाले कर दो। हाँ साहब, हमारे हवाले कर दो। उस तांत्रिक को तो हम देख ही लेंगे। कानून को अपने घर की जागीर समझ के रखा है क्या? उस तांत्रिक की इंक्वायरी चल रही है। अगर वो दोषी होगा तो उसे सजा जरूर मिलेगी। रही बात तुम दोनों की, तो तुम लोग हवा की तरह हो। जहां रुख बदल देते हो, अपना रुख बदल देते हो। कल तक एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे, आज दोनों मिलकर उस तांत्रिक को लेने आए हो। नीरू और कुंजी का हत्यारा जो भी होगा, उसे हम अरेस्ट करेंगे ही करेंगे। तूने हमसे झूठ क्यों बोला कि बिनीता का इलाज तू तांत्रिक के पास नहीं करवा रहा, जबकि तू तांत्रिक के पास जाता था उसे लेकर? नहीं साहब, मैं नहीं करवा रहा हूं। देखो झूठ मत बोलो। शौकी बाबा ने हमें सब कुछ बता दिया है। चल सच सच बता दे। साहब, विनीता का भाई सोनू लेकर गया हूं, लेकिन मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं तो उसका डॉक्टर ही इलाज करवा रहा हूँ। ये सोनू रहता कहाँ है? भिवंडी में साहब, पर पिछले चार दिनों से उसका कोई अता पता नहीं है। उसका फोन भी नहीं लग रहा है। विनीता नाम की औरत अपने भाई सोनू के साथ तेरे यहाँ आती थी, क्या उपाय बताया था उसे? बोल। देखो साहब, मैं किसी सोनू होने को नहीं जानता। मैं पहले ही बता चुका हूँ। और साहब, मुझ पर ये इल्जाम लगाने से पहले आपके पास सबूत होना चाहिए। वो सोनू को मेरे सामने भी तो लाइए, मुझे भी तो पता चले वो मुझ पर क्यों झूठा इल्जाम लगा रहा है। ठीक है सावंत, ये ऐसे नहीं मुंह खोलेगा।
ये सोनू को ढूंढ निकालो, उसके कॉल रिकॉर्ड निकालो, पता करो कौन से बिल में छुप कर बैठा है। जब सोनू सामने आएगा ना, ये बराबर मुंह खोलेगा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे साले सोनू का हाथ है इन सब कांड में? साहब सोनू सिर्फ साला नहीं है, मेरा भाई है, वो ये सब कर ही नहीं सकता है। सोनू कहाँ है पता नहीं, लेकिन विनीता दीदी ने एक माँ की तरह पाला है सोनू, और वो भी बराबर आके अपनी बहन की खबर लेते रहता है। सर ये सोनू के कॉल रिकॉर्ड्स। सर सोनू के कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर मिला है जिससे वो रेगुलरली बात किया करता। ये नंबर किसी रानी के नाम पे रजिस्टर्ड है जो उसी की बस्ती में रहती है। सर रानी को जरूर पता होगा सोनू कहाँ है। रानी का है, बुलाइए उसे। सब रानी घर पर नहीं है, मैं तो खुद आ रहा था पुलिस स्टेशन रिपोर्ट दिखाने के लिए साहब। रानी 3 दिन से लापता है। वो तो अभी पता चल जाएगा, अंदर रहेगा। देखो सर, साहब मैं कह रहा हूँ ना घर पे नहीं है रानी। मैंने उसके नानी के यहाँ फ़ोन भी किया लेकिन वहाँ भी नहीं गई। सर नहीं है। ठीक है हम पता लगाने की कोशिश करते हैं। जी काकड़े, या तो ये रानी सोनू के साथ भाग गई है या फिर इसके साथ भी कुछ ऐसा ही बुरा हुआ है जो बाकी लड़कियों के साथ हुआ है। सर सर खबरी का फोन है। हाँ ठीक है चले। सर सोनू का पता लग गया, वो विनीता के घर आया। उठा के लाओ उसे। सर जाने दे, जाने दे। क्या हुआ दीदी? दी चिंता मत करो मैं आ गया हूँ। क्या कर रहे हो जीजा जी, क्यों तकलीफ दे रहे हो दीदी को? तो क्या करूं मैं, अरे तंग आ गया हूं मैं सबके ताने सुन सुन के। दी दी देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं। कौन दी? खाना लेकर आया। कौन कौन? तो दी सब ठीक हो जाएगा। सोनू। हाँ मैं, क्या हुआ? चल चौकी। अरे मेरी चल चौकी। पहले नीरू, फिर कुंजी और अब रानी। क्या किया इनके साथ? सर मैंने इनके साथ कुछ नहीं किया। सर कॉल रिकॉर्ड से पता चला है तेरा और रानी का अफेयर था। बोल। सर रानी को मैं ही लेके गया था। कहाँ लेके गया था और क्यों लेकर गया था? सर रानी को मैं भिवंडी लेके गया था। किसके कहने पर? सर वो मैं नीरू और कुंजी को क्यों मारा था? मैंने कुछ नहीं किया सर। क्यों मारा था? बताओ क्यों मारा था? बता ना। ये सब मैंने अपने बेबी विनीता के लिए किया सर। वो बहुत बीमार है, वो पहले ऐसे नहीं थी। साहब एक बार हम लोग एक दोस्त के शादी में लातूर गए थे, वहीं पे उसे कुछ हो गया। उसके ऊपर 7 दिन थे, अभी 3 बाकी है साहब। दरअसल हम अपने बीबी को ठीक करने के लिए कोई मंदिर, कोई दरगाह और कोई चौकट नहीं छोड़ी साहब। इसी तरह अचानक मुझे एक अघोरी बाबा मिल गए, उन्होंने ही ये सारा उपाय बताया था। हमने सोचा सब कुछ कर लिया है तो ये भी करके देख लेता हूँ। नीरू को कैसे मारा? बाबा के बोलने के बाद
हम गांव में घात लगाए घूमते रहते थे। उस दिन नीरू स्कूल से अकेले आती हुई मुझे दिख गई तो मैंने उसे घर छोड़ने के बहाने से अपनी स्कूटी पर बैठा लिया और सीधे जंगल लेकर चला गया साहब। एक मिनट उतरो तो बेटा। अंकल ये कहाँ लिया है आप मुझे? मेरा घर तो उस गली में। हाँ बेटा मुझे पता है, मुझे कुछ काम है, करके फिर चल चलेंगे ठीक है। जब मैंने देखा नीरू की मौत को लेके भूषण और विजय भाई आपस में लड़ रहे हैं तो हमने सोचा कुंजी बेटा उधर के बच्चे को उठा लेता हूँ ताकि मेरे ऊपर किसी का कभी शक न हो। मेरा एक काम करोगी? पैसे दूंगा और नानी के लिए खाना भी दूंगा। क्या काम है? इधर आओ। मैंने नीरू की तरह उसे भी मार दिया। पर नीरू का रेप क्यों किया साहब? वो हम बहक गए थे, हमको माफ कर दो। रानी को कैसे फंसाया? मैंने रानी को सोनू के जरिए फंसाया। मैंने उससे कहा कि अगर अपनी बहन को बचाना चाहते हो तो 7 लड़कियों की बलि देनी पड़ेगी। सोनू अपनी बहन के लिए मान गया इसलिए उसने रानी को अपने प्रेम जाल में फंसाया और भिवंडी के खोली में मुझे फोन करके बुलाया साहब। अब तक कितनी मासूमों की जान ली है तूने? 4 साल। एक इगतपुरी और एक पिपरी गांव की लड़की थी साहब। जिस बीवी का इलाज करने के लिए इतने मासूम लोगों की जाने ली, अगर उसका डॉक्टर से इलाज करवाया होता तो आज तेरी बीवी ठीक हो जाती थी। कभी सोचा है कि तेरे जेल जाने के बाद उसका ख्याल कौन रखे? अब तेरे साथ साथ उसका भाई सोनू भी जेल में जाएगा। कहते हैं जब इंसान की मति मारी जाती है तो वो कुछ भी सोचने समझने के लायक नहीं रहता। यही हुआ था अशोक के साथ। उसने अपनी बीमार पत्नी के इलाज के लिए अंधविश्वास का रास्ता चुना जो उसे फांसी के फंदे तक ले गया। रानी को उसके परिवार के हवाले कर दिया गया। विनीता आज अकेली अपनी बीमारी से जूझ रही है, उसका ध्यान रखने वाला अब कोई नहीं है। हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हम एक गोल सेट करते हैं, प्लानिंग करते हैं, लाइफ में हर कदम हम सोच समझ कर उठाते हैं। लेकिन कभी कभी वक्त और हालात की गर्दिश दिशा बदल देती है और हमारे पैदा किए हुए प्रॉब्लम्स हमारी रुकावटें बन जाती हैं। तब जिंदगी हमको एक सीख दे जाती है कि खुशी में आपके साथ पूरा जमाना होता है। लेकिन दुख में आप अकेले पड़ जाते हैं। सोना मिश्रा। हाँ जी। चलिए आपका नंबर आ गया। हमें थोड़ा सा और टाइम लगेगा, आप तब तक चाहे तो किसी और को ले जाइए। ठीक है। आप कहाँ हैं? आप अभी तक आए नहीं।
हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे, प्लीज आ जाइए। हमारा यहाँ पर सबके सामने मजाक बन जाएगा। हमने क्या बिगाड़ा है आपका? सच्चे प्यार का आप ये सिला दे रहे हैं हमें? आप ऐसे बीच मझदार में हमको छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं तो क्या कर लेंगे हम तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे, तुम सोच भी नहीं सकते। सनी वॉन बेबी है और प्राइवेट पार्ट्स इंजर्ड है, घाव भी काफी है सर, खून भी काफी बह चुका है सर, शायद इसी वजह से इसकी मौत हुई। मौत की वजह तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी योगेश। चेतन, इस जंगल के पास जो बिल्डिंग है उसमें सीसीटीवी जरूर होगा, वहां जाके चेक करो, शायद कोई कैप्चर हुआ। यस सर। संदीप, तुम उधर आसपास देखो, शायद कुछ मिले। सर, जब इस बच्चे की बॉडी को तुमने यहाँ देखा उस वक्त यहाँ कोई था या उस वक्त यहाँ से किसी को आते जाते देखा हो? नहीं साहब, मैंने यहाँ किसी को आते जाते नहीं देखा साहब। तुम यहाँ रोज कूड़ा बीनने के लिए आते हो? हाँ साहब, मैं रोज सुबह 7 के आसपास कूड़ा बीनने के लिए आता हूँ, पर साहब मैं कल नहीं आया था, परसों आया था, पर परसों साहब यहाँ पर बच्चा नहीं था, बच्चा साहब मैंने आज ही देखा है साहब। योगेश, यानी कि बच्चे की बॉडी को कल और आज सुबह के बीच में ही फेंका गया? सर, कुछ नहीं मिला। बच्चे की बॉडी को ले चलो। सर, दरवाजा खोल। कर दिया हमने सब, खत्म कर दिया हमने। हम तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे, तुम सोच भी नहीं सकते। इसका फाइनल ड्राफ्ट बना के मुझे दिखाओ। ओके सर। सर, बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, वो लड़का था और उसके प्राइवेट पार्ट को काटा गया था सर, खून काफ़ी बह चुका था जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। एक बात और सर, जन्म के 30 मिनट बाद ही बच्चे की मौत हुई है। योगेश, इतने छोटे बच्चे के साथ ऐसा कौन कर सकता है और क्यों? ऐसे हादसे तो लड़की पैदा होने पे अक्सर देखे जाते हैं, ये तो फिर भी एक लड़का था और लड़के की लाश को एक अच्छे से कपड़े में लपेट के फेंका गया, यानी कि लड़का पैदा होने के बाद उसे किडनैप किया गया, उसे टॉर्चर किया गया, या फिर ये भी हो सकता है कि बच्चे के माँ बाप की किसी से दुश्मनी हो और बदला लेने के लिए उसने बच्चे का कत्ल कर दिया हो। एक काम करो, पिछले 2-3 दिन में जितने भी इतने छोटे बच्चे की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है चेक करो, हो सकता है बच्चे के चोरी होने पर उसके माँ बाप ने कंप्लेंट दर्ज की हो। सर, हमने आसपास के सभी पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड चेक किए पर इतने छोटे बच्चे की तो कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं आई। एक बात और सर, हमारे कांस्टेबल चेतन ने वहां के आसपास के एरिया में पूछताछ की तो उसे एक भिखारी ने बताया कि उसने सुबह 6 बजे जिस दिन हमको बच्चे की बॉडी मिली थी उसने एक औरत को देखा था जिसने अपने हाथ में कुछ छुपा रखा था और उसका आधा चेहरा वो ढका था।
योगेश, तो फिर हो सकता है उस औरत ने ही उस बच्चे की लाश को वहां फेंका हो, लेकिन ये बच्चा है कौन और आया कहां से? पर हां सर, हमने किन्नू से भी पता किया है, लेकिन सर मुझे नहीं लगता है कि ये काम उनका है। सर, जिस गोदरी में बच्चा लिपटा हुआ था उस पे ये सॉफ्ट टच का लेबल था। सॉफ्ट टच? क्या हुआ दीदी? सब ठीक है? सब ठीक है दीदी, ऐसे देख के तो मालूम नहीं पड़ रहा है कि सब ठीक है। तुमको बोला ना सब ठीक है, ज्यादा अम्मा बनने की कोशिश मत करो हमारे, खुद का तो कुछ आता पता है नहीं तुम्हारा और हमारी अम्मा बनी घूम रही हो। दीदी हाँ सर, ये हमारी दुकान का कुछ ध्यान है, ये आपसे किसने खरीदा था? ये ऑनलाइन ऑर्डर से डिलीवर किया था सर। ये रहे सर, पिछले 2 महीनों में हमने 15 लोगों को हमने ये माल बेचा है। इन 15 लोगों के एड्रेसेस दे दिए। ओके सर। लखनऊ शहर में एक बच्चे की लाश मिलने से पुलिस महकमा सकते में था और वो पुरजोर कोशिश में लगे थे कि बच्चे के माँ बाप को ढूंढ निकालें और उसके हत्यारे को तलाश कर उसे इंसाफ दिलाए। सर, जितने लोगों से बात की, या तो उनके बच्चे उनके साथ ही है या तो अभी पैदा भी नहीं हुए, तो बच्चा खोने का कोई सवाल ही नहीं होता। अगला एड्रेस देखो कहाँ का है। ठीक है सर। ठीक है, या कब से घंटी बज रहा है सुनाई नहीं दे रहा है क्या? जाओ दरवाजा खोलो। सही में तंग आ गए तुम्हारे इस बर्ताव से, दुकान भी संभाले बच्चा भी संभाले। लिकोदरी आपने खरीदी थी? नहीं सर, ये गोदरी हमने नहीं खरीदी। लेकिन आपके दुकानदार का कहना है ये गोदरी आपने ही खरीदी। नहीं सर, वो हमने बहुत सारा सामान लिया था तो दुकानदार ने लिख दी होगी। पर सब बात क्या है, हमें कूड़ेदान के पास से नवजात शिशु की लाश मिली है जो एक लड़का था। उसके प्राइवेट पार्ट्स कटे हुए थे। सब सुन के बहुत दुख हुआ, लेकिन क्या है कि 1 हफ्ते पहले ही हमारे यहाँ बच्ची हुई है। ये देखिए, सर वो गुड़िया को बच्चा जनने का डिप्रेशन हुआ है, वो क्या कहते हैं ना पोस्टमार्टम, डॉक्टर ने बोला कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अजीब बीमारी है सर, माँ बच्चे को नहीं देख रही। हमें उस गायनेकोलॉजिस्ट का नंबर और एड्रेस दीजिए, जस्ट फॉर अ फॉर्मेलिटी। जी। सर मुझे तो इस औरत का बर्ताव कुछ समझ में नहीं आया। योगेश, बच्चा भी 1-1.5 हफ्ते का नहीं बल्कि 1-1.5 महीने का लग रहा था और माँ को तो जैसे बच्चे की कोई फिक्र ही नहीं। बच्चा रो रहा था और माँ पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। बल्कि एक बात अजीब लगी मुझे, जब हमने बच्चे की डेड बॉडी मिलने की बात की तो माँ सुनकर चौंक गई, परेशान हो। हाँ सर, और पति गोदरी खरीदने से मुकर गए। नहीं सर, ये गोदरी हमने नहीं खरीदी। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे कुछ छुपा रहे हैं? योगेश एक काम करते हैं, इस गायनेकोलॉजिस्ट से मिलते हैं, पता करते हैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन ही है या फिर इसके आड़ में कुछ और ही चल रहा है। सर या मेरी नहीं, डॉक्टर रीमा की पेशेंट थी। यस, शी वाज माय पेशेंट।
वो अक्सर चेकअप के लिए मेरे पास ही आती थी, बट सडनली एक महीने से कुछ आना बंद कर दिया और उसके बाद क्या हुआ हमें नहीं पता। यानी गुड़िया की डिलीवरी आपके क्लिनिक में नहीं हुई? नहीं। अच्छा एक बात बताइए, उस दौरान जब गुड़िया आपके यहाँ चेकअप के लिए आया करती थी तो उसका बिहेवियर दूसरी प्रेग्नेंट लेडीज जैसा ही था या कुछ डिफरेंट था? वो भी औरों की तरह अपने बच्चे को लेकर काफी एक्साइटेड थी, काफी खुश थी। ये देख रहे हैं आप, ये आपका बच्चा है। लेकिन इंस्पेक्टर, आप उन लोगों के बारे में क्यों इंस्पेक्शन कर रहे हैं? उन लोगों के बारे में नहीं, हम एक न्यूली बॉर्न बेबी के मर्डर केस की इंक्वायरी कर रहे हैं। एक बात बताइए, क्या कोई पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके 4-5 दिन पहले ही डिलीवरी हुई हो? सर यहाँ हर रोज एक या दो डिलीवरी होती है। अरे कहाँ है भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लो केक आ गया, लो। अरे वाह पापा, केक बहुत अच्छा है। मैं दीदी को बुलाती हूँ। जल्दी 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 ले। दीदी दीदी निकलो जल्दी, केक कट करना है। तुमको हजार बार मना किया है ना कि हमारे सामान को हाथ मत लगाया करो, तुम रोटी खाती हो कि गोबर, तुमको इतनी सी बात समझ में नहीं आती है क्या? अब तुम अम्मा के साथ साथ हमारी जासूस भी बनी फिर रही हो। दीदी हम तो बस क्या, पापा ने तुमको सर पे चढ़ाया हुआ है, उनके सर पे जाके ही बैठो, हमारे नहीं। और आइंदा से हमारे सामान को हाथ मत लगाना, समझी? क्या हो रहा है यहाँ, ये सब लड़ क्यों रहे हो? चलो 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 अंदर चलो, क्या करने के लिए, चलो चलो। ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर अचानक गुड़िया का डॉक्टर क्यों बदल दिया था तुमने, और हमें डॉक्टर का गलत पता क्यों दिया? सर वो इलाज पहले वहीं चल रहा था इसलिए दे दिया, ध्यान नहीं रहा, और वैसे भी वो थोड़ा महंगा था। तो अब जहाँ गुड़िया का इलाज तुमने कराया या डिलीवरी कराई, वहाँ क्या फ्री में हुई थी? क्या एड्रेस है उस क्लिनिक का? सर वो GT रोड पे दिव्या क्लिनिक है, डॉक्टर पार्थ के यहाँ। सर वो अपने बजट में भी था। सर बिटिया को वैक्सीनेशन के लिए लेके जाना है, आप फिर जब कभी बोलेंगे मैं आ जाऊं। अभी जाओ। ठीक है। सर भिखारी ने जिस औरत को देखा था उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली अभी तक, और पीयूष और गुड़िया के बारे में भी अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। योगेश उस औरत के बारे में तहकीकात करते रहो। और रही बात पीयूष और गुड़िया की, जरूर ये दोनों हमसे कुछ छुपा रहे हैं। सर आपने एक बात नोटिस की, पीयूष एक हफ्ते की बच्ची को वैक्सीनेशन के लिए लेकर गया, जबकि पैदा होने के बाद जो वैक्सीनेशन होती है उसके 5 से 6 हफ्ते के बाद दोबारा इंजेक्शन लगाया जाता है। तो पीयूष बच्ची को कौन सी वैक्सीनेशन के लिए लेकर गया? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्ची वाकई बड़ी हो और शायद ये बच्ची इनकी हो ही ना? योगेश तुम ये कहना चाहते हो जिस बच्चे की लाश हमें मिली वो उनका बच्चा था? लेकिन कोई अपने बच्चे को क्यों मारेगा, किसी दूसरे के बच्चे को क्यों पालेगा, ये बात समझ में नहीं आ रही। एनीवेज इन दोनों पे नजर रखनी होगी, दोनों का बर्ताव बहुत ही संदिग्ध है, जरूर यहीं से कुछ ना कुछ हमें आप लगेगा। सर आगे की कार्रवाई के लिए बच्चे के डेड बॉडी से DNA लेंगे, बच्चे का अंतिम संस्कार अभी बाकी है और उसकी फैमिली का कुछ पता नहीं, तो अभी क्या करें सर? हम है ना, हम करेंगे उस बच्चे का अंतिम संस्कार। अरे फोन उठाओ, दी फोन उठाओ। गुड़िया, अरे बच्ची रो रही है, तुमको दिख नहीं रहा क्या? बिट्टू भूख लगी है बिट्टू को? अरे ना बिट्टू, खिलाएंगे खिलाएंगे, दूध पियोगे मेरी बिट्टू?
हेलो, ठीक है हम पहुंच रहे हैं, गाड़ी आवास रोड की तरफ लो जल्दी। सर लड़की मर चुकी है, लोअर पार्ट से खून बह रहा है और शरीर पर कहीं पर भी चोट की निशानी, शायद सेक्सुअल असॉल्ट का केस हो सकता है या फिर अंदरूनी चोट की वजह से ब्लीडिंग हुई और इसकी मौत हो गई। देखो लड़की के पर्स में शायद कुछ मिल जाए। सर आप लोगों में से किसी ने कुछ देखा था, क्या हुआ था यहाँ पर? सर मैंने फोन किया था, सर ये लड़की बेहोश होकर गिर गई थी। सब हवाइयाँ उड़ी थी चेहरे की और बहुत परेशान लग रही थी हमको, और सब जो खून निकलना शुरू हुआ वो बंद ही नहीं हुआ सर। सर लड़की की पर्स से ये फोन और ये आईडी प्रूफ मिला है जिसके हिसाब से वो गोविंदगंज की है। जब हमें फोन आया तब लड़की बेहोश हुई, हमें 10 मिनट लगे यहाँ पर पहुँचने में। ऐसा क्या हुआ होगा कि 10 मिनट में उसकी मौत हो गई? एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इसकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दो। सर अब तक किसी मानसिक परेशानी से जूझ रही सोनम की अचानक सड़क पर मौत हो गई थी। क्या कारण था उसकी मौत का? उसके जीवन में चलने वाली परेशानियों का अंत इतना भयानक कैसे हो गया? दूसरी तरफ नवजात बच्चे की मौत के सुराग में उलझी पुलिस एक के बाद एक कड़ियां जोड़ने में लगी थी। हाँ सर, गुड़िया की डिलीवरी यहीं हुई थी और ये उसकी बेटी का बर्थ रिकॉर्ड है। और सर कॉमन रीज़न ये है कि जो लोग बड़े क्लिनिक या नर्सिंग होम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो हमारे यहाँ आ जाते हैं। और सर 20 अप्रैल को बस इन्हीं की डिलीवरी हुई थी। बच्ची को भूख लगी है। अरे इसको भूख लगी है, दूध पिला दो। नहीं नहीं मतलब? अरे तुम औरत हो कि पत्थर? इतनी मासूम सी बच्ची पे भी तुमको तरस नहीं आता क्या? अब क्यों दूध पिलाओगी? पिलाना पड़ेगा। नहीं पिलाऊंगी। ग्रेजुएशन 23 में MBA और 24 में एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी। दीदी बोरा गई हो क्या? ये क्या बड़बड़ा रही हो? बड़बड़ा नहीं रहे, हम अपना बकेट लिस्ट बना रहे हैं। बकेट लिस्ट? वो क्या होता है? बकेट लिस्ट यानी कि हमने अपने पूरे फ्यूचर का गोल सेट किया कि हमें लाइफ में कब क्या करना है। जब तुम अपने लाइफ का गोल सेट करोगी तभी तो वहाँ तक पहुँचोगी, वरना ऐसे ही फकीर की तरह एक ही लकीर को पीटती रहोगी, समझी? पापा हमारे लिए कितना कुछ किए ना, हमारी पढ़ाई पर कितना सेक्रीफाइस किए ना, अब हमारा टाइम है कि हम उनके लिए कुछ करें, उनको मायूस नहीं करें। वाह दीदी, तुम तो सब सोच के बैठी हो, गलती की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। सही है। जब सोनम घर से निकली तो उसकी तबीयत ठीक थी? हाँ बिल्कुल ठीक थी सर। फिर ये अचानक क्या हो गया सर? कैसे हो गया कुछ? सर सोनम को ले जा सकते? अभी नहीं, पोस्टमार्टम के बाद। पोस्टमार्टम क्यों साहब? सब मरने के बाद उसकी मिट्टी क्यों खराब कर रहे हैं सर?
देखिए साहब, हमको हमको पोस्टमार्टम नहीं कराना है। आप हमें सोनम दे दीजिए, हम उसे ले जाते हैं, उसका अंतिम संस्कार करना है। मरने के बाद मेरी बच्ची के और टुकड़े मत कीजिए सर। देखिए, आपकी बेटी की जिस संदिग्ध अवस्था में मौत हुई, पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। ये प्रोसीजर है जो हमें फॉलो करना पड़ेगा ताकि पता चल सके कि मौत का कारण क्या था। सर, ये रही सोनम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसके हिसाब से वो प्रेग्नेंट थी। इमेच्योर तरीके से अबॉर्शन करने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से उसकी यूटेरस में कई कट लगे और इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हुआ और वो बेहोश हो गई। उसके बाद कार्डियक अरेस्ट की वजह से उसकी मौत हो गई। इससे तो यही लगता है कि किसी ने जबरदस्ती पकड़कर उसका अबॉर्शन कर दिया, और इस जबरदस्ती के निशान उसके हाथ पर भी मिले। मुझे तो लगता है कि किसी नौसिखिए ने अबॉर्शन किया होगा घर पर। हो सकता है सर। सुनो, ये कांता का घर कौन सा? कांता का घर यहाँ है। कांता? हाँ साहब। क्या तुम ही पीयूष और गुड़िया के घर में काम करती हो? हाँ साहब। हमें कुछ जानना था तुमसे। ये पीयूष और गुड़िया के घर में बच्ची के जन्म से पहले या बच्ची के जन्म के बाद उन दोनों में कुछ बदलाव आया क्या? हाँ साहब, जब तक बिटिया नहीं हुई थी तब तक मेम साहब और साहब बहुत प्यार से रहते थे, लेकिन जब से बिटिया हुई है मेम साहब को तो मानो कोई कीड़ा काट गया है। हमेशा साहब से लड़ते रहती है और बिटिया के साथ तो ऐसा बर्ताव करती है कि पूछे मत। हमको तो साहब आज तक समझ में नहीं आया कि कोई माँ अपनी ही औलाद से ऐसा बर्ताव कैसे कर सकती है। क्या किसी अनजान आदमी या अनजान औरत को कभी पीयूष और गुड़िया के घर में आते जाते देखा तुमने? हाँ साहब, एक औरत को हमने देखा है मैडम की डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बाद। हमने साहब को एक औरत से बात करते हुए देखा था। शक्ल पे जानती हो उसको? नहीं साहब, मैंने उसका कभी चेहरा तो नहीं देखा। वो हमेशा अपना चेहरा ढक कर रखती थी। अरे कुछ नहीं हुआ है, उसकी तबीयत थोड़ी खराब है। तुम जाओ सो जाओ, मैं हूँ उसके साथ। अनीता, तू यहाँ बैठी है, मैं कब से बाहर वेट कर रही हूँ। चल ना खाना खाने के लिए। दीदी ये देखो ना, ये वाला सब मुझे नहीं आ रहा, और कल मेरी एग्जाम्स हैं। ये सब बाद में हो जाएगा, तू अभी चल और खाना खा ले। अच्छा, और जल्दी आना। दीदी दीदी तू क्यों चली गई मुझे छोड़ के? दीदी को क्या बकवास कर रही हो? हम सच कह रहे हैं, आप ही है हमारी दीदी के हत्यारे। सर आप बार बार एक ही बात क्यों पूछ रहे हैं? बोल तो दिया कि हमें नहीं पता कि वो औरत कौन है। घबरा क्यों रहे हो इतना? हम बताते हैं वो औरत कौन है। ये औरत वही है जिस पर उस नवजात शिशु की हत्या का शक है, और ये औरत तुम्हारे घर के बाहर तुम्ही से बात करते हुए कई बार पाई गई। सर दिन में हजारों आदमियों से मिलता हूँ, कैसे कोई सबकी शक्ल याद रख सकता है? सर हमारी बिटिया है, हमने सब कुछ बता दिया आपको उसके बारे में। उसका जन्म सर्टिफिकेट दिखा दिया आपको, वो कहाँ पैदा हुई वो बता दिया है, जहाँ पैदा हुई उसके डॉक्टर के बारे में बता दिया, उससे मिल चुके हैं आप, अब और क्या चाहिए हमसे? सर कोऑपरेट तो काफी किया है तुमने, फिर तो तुम्हें अपना डीएनए टेस्ट कराने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। योगेश सर ले जाओ। ले जाओ मतलब सर? चलिए मुझे कहीं नहीं जाना सर, हमें कोई टेस्ट वेस्ट नहीं कराना।
जितना हमने आपको सपोर्ट किया उतना ही शोषण किया आपने। हम नहीं कराएंगे, बिल्कुल नहीं कराएंगे। ठीक, जा सकते हो। बच्चा बिल्कुल हेल्दी है। डॉक्टर, लड़का है ना? अरे मैं ये नहीं बता सकती लड़का है कि लड़की, बताना जुर्म है। प्लीज तुम दोबारा ये सवाल मत पूछना, वरना हम दोनों को जेल जाना पड़ेगा। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी सोनम बिटिया तो बहुत गुनी थी, जरूर कहीं कोई गलती हुई है। गलती की गुंजाइश ही नहीं है, ये सोनम का पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिसमें सब कुछ साफ साफ लिखा है। मेरी सोनम बिटिया ऐसा कर ही नहीं सकती, हमारा मान थी सोनम बिटिया हमारी, बहुत सारी उम्मीदें थी हमें उससे। पापा हा? ये तो बहुत महंगा है, आपने अपनी आखिरी एफडी भी तोड़वा दी ना। बेटा वो सब छोड़ो, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है ये। आप कितना कुछ करते हैं ना हमारे लिए। अरे आप हम पे भरोसा रखिए, हम इसे पूरा करने में अपनी जी जान लगा देंगे। हमारी सोनम बिटिया हमारे खानदान की एक ऐसी लड़की थी जो इतना पढ़ गई, टॉप भी किया, हमें तो अब भी यकीन नहीं होता कि हमारी बिटिया ऐसा कुछ कर सकती है। क्या आपको सचमुच नहीं मालूम था कि सोनम की लाइफ में क्या चल रहा था, या वो प्रेग्नेंट थी? अगर पता होता तो ऐसा कुछ होने देते क्या उसके साथ? अगर ये सच बोल रहा है तो भी इतना तो पक्का है कि सोनम की लाइफ में कोई लड़का था जिसके बारे में उसने किसी को नहीं पता है, और वो लड़का कौन है ये सोनम के कॉल रिकॉर्ड से हमें पता चल सकता है। तुम एक काम करो, कॉल रिकॉर्ड से खुलाओ और बारीकी से चेक करो। ये जो सोनम के कॉल रिकॉर्ड्स हैं, इसमें किसी रजत नाम के आदमी का नंबर मिला है। करीब 2 महीने पहले से दोनों रेगुलर टच में हैं और देर रात तक दोनों के बीच लंबी बातें और मैसेजेस हुए हैं। पता किया? कौन है ये रजत? यस सर, रजत उसका कोचिंग टीचर था, उसके घर जाकर उसे ट्यूशन देता था। सर काफी इंटेलिजेंट आदमी है और शादीशुदा भी। मतलब सोनम की कहानी में नेगेटिव किरदार है। अमृता उठाते हैं इसे। सर सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं किसी को बेवकूफ़ नहीं बना रहा। सोनम मेरी स्टूडेंट थी, दैट्स इट, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं था सर। और तू अपने सारे स्टूडेंट से रात रात भर फोन पर बातें करता है, मैसेजेस करता है। देख सीधे तरीके से बता दे, वरना ऐसा ट्यूशन देंगे कि कभी किसी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुझे। नहीं सर, सर वो एक्चुअली सोनम का और मेरा अफेयर था सर। सर शुरू में मैं सिर्फ ट्यूशन पढ़ाने जाता था उसके घर, लेकिन सर धीरे धीरे हम लोग करीब आए। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, हम घर से बाहर भी मिलने लगे थे, और सर कुछ समय बाद ही हम बहुत करीब आ चुके थे। तूने बताया था उसे तू शादीशुदा? सर नहीं सर, सर लेकिन सर हम बहुत खुश थे, सब सही चल रहा था। अचानक शादी करने का भूत सवार हो गया था उस पर। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं पहले से ही शादीशुदा। हम तुम पे भरोसा करते रहे और तुम हमें झूठ बोलते रहे, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम जाओ यहाँ से। रजत रजत प्लीज रजत, मुझे छोड़ के मत जा। उसने तुझे छोड़ने से मना किया तो तूने अपनी जान बचाने के लिए जबरदस्ती उसका एबॉर्शन करवा दिया? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सर बात तो यह है कि उस दिन के बाद मैंने उसकी शक्ल भी नहीं देखी। बहुत महान काम किया तूने, इसका इनाम तो मिलेगा तुझे। फिलहाल ये बता 28 तारीख को कहाँ था तू? 27 तारीख को मैं जौनपुर गया था एक शादी अटेंड करने, और 29 की रात को आया था सर। डिटेल्स दे, कब कहाँ किसकी शादी में गया था? जी सर। अरुण जी सर, इसका डिटेल ले लो, कब कहाँ और किसकी शादी में गया था। और सुन, जब तक केस सॉल्व नहीं होता
तू शहर से बाहर नहीं जाएगा। जी सर। सर, सोनम के अबॉर्शन का सबसे स्ट्रॉन्ग मोटिव इसी के पास है, क्योंकि अगर उसके प्रेगनेंसी की बात बाहर आती तो सबसे ज्यादा नुकसान इसी का होता। नवजात बच्चे की मौत से शुरू हुई तफ्तीश बड़ी ही कठिनाइयों से गुजर रही थी। अब तक पुलिस के हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लगा था, लेकिन पुलिस ने अपने पैतरे आजमा रखे थे। ये लो पैसे, ये लो। क्या कर रही हो? तुमसे जो काम का था बस उसे कर दो। ओ, तो इसलिए तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया? तुम समझ नहीं रही हो, अगर इस बार लड़की हुई तो मेरे ससुराल वाले मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। प्लीज मेरी मदद कर दो। मैं कुछ नहीं कर सकती, समझी तुम? और परेशान करना बंद करो, नहीं तो पुलिस में दे दूंगी तुम्हें। सर, रजत का बयान हमने क्रॉस चेक किया, वो सच बोल रहा है। 27 से 29 तक वो शहर में नहीं था। अगर वो नहीं तो फिर कौन हो सकता? सर, सोनम की जिंदगी में बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, कुल मिलाकर 3-4 लोग। रजत, सोनम का बाप श्रीकांत और उसकी बहन अनीता। और पिता श्रीकांत को अपनी बेटी सोनम पर बहुत गुमान था, बहुत उम्मीदें थी। और इतनी काबिल बेटी के बारे में अगर किसी पिता को ये पता चले कि वो बिन ब्याही प्रेग्नेंट है, तो जाहिर है गुस्सा भी बहुत आया होगा। नम्रता, हम सोनम की बहन अनीता से बात करते हैं। राइट सर। अनीता, तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम बस ये जानना चाहते हैं कि क्या तुमने सोनम के भीतर इन दिनों कुछ बदलाव देखा था, सेहत में, बर्ताव में या कुछ भी? ये ना, ये यहाँ पर तुमसे प्यार कर रहा है और साथ साथ इसका अफेयर किसी और के साथ भी चल रहा है। क्या बकवास कर रही हो? कौन हो तुम? तुम उन्हीं में से एक है जिनके साथ तुम प्यार का नाटक करके हजम कर जाते हो और डकार भी नहीं लेते। अरे पागल लड़की है क्या? बेचारा सरीफ आदमी को मार दोगी क्या? अरे कोई पुलिस को बुलाओ रे। देखो, जो है बता दो, डरने की बिल्कुल जरूरत है। तुमको बोला ना सब ठीक है, ज्यादा अम्मा बनने की कोशिश मत करो हमारी। तुमको हजार बार मना किया ना कि हमारे सामान को हाथ मत लगाया करो। पापा, पापा क्या हुआ है दीदी को? अरे कुछ नहीं हुआ है, उसकी तबीयत थोड़ी खराब है। तुम जाओ सो जाओ, मैं हूँ उसके साथ। पापा और दीदी के बीच में कुछ चल रहा था, पापा ने मुझे कमरे में नहीं आने दिया। क्या पापा जानते थे दीदी प्रेग्नेंट थी? सुनिए सुनिए, तुम जानना चाहती हो ना कि तुम्हारे पेट में लड़का है या लड़की? अगर अब भी झूठ बोला तो हड्डियां तोड़ देंगे। हम जान गए सच क्या है, अनीता ने बताया। तुम जानते थे सोनम प्रेग्नेंट थी? जानते थे हम, और वो हमसे मदद मांगने आई भी थी। सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने, सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्या क्या सपने देखे थे हमने, सब पर मिट्टी मिला दी तुमने। अरे हमारे बारे में नहीं सोचा, अपनी बहन का भी ख्याल नहीं आया तुम्हें? क्यों किया ऐसा, क्यों? पापा, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। ये तुम्हारा पाप है, तुम्हें ढोना पड़ेगा ये सब। अगर इसे रखने का सोचोगी ना तो हमारा मरा हुआ मुंह देखोगी। अनीता के लिए घबरा गए थे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो सच कह रहे, सोनम का गर्भपात हमने नहीं करवाया, वो किसी औरत ने करवाया था। पापा, एक औरत है जो हमारी मदद करने को तैयार है, पर बदले में वो 7,000 रुपये मांग रही है। तुम
तुम्हें पता है कौन थी वो औरत? नहीं। अनीता ने बताया कि सोनम की मौत के एक रात पहले तुम्हारे कमरे से सोनम के कराहने की आवाजें आ रही थी और तुमने अनीता को अंदर आने नहीं दिया, क्यों? वो सोनम दिन में उस औरत के साथ अबॉर्शन के लिए गई हुई थी, काफी देर रात को लौटी, आते ही अपने कमरे में चली गई और आधी रात को शायद उसके पेट में दर्द हुआ और वो मुझसे मदद मांगने के लिए आई थी। पापा, पापा। पापा हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है पापा। तो मैं क्या करूं, तुम्हारा पाप है तुम संभालो। जिस औरत ने सोनम का अबॉर्शन करवाया था उसका स्केच बनवा सकते हो? नम्रता, इस स्केच को सारे थाने में सर्कुलेट करवाओ। इस औरत का हमारे हाथ में आना बहुत जरूरी है। लड़की है, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे मुझे इस बच्चे को गिराना है। प्लीज मैं आपके हाथ पैर जोड़ती हूँ, मेरी मदद कीजिए। घबराओ नहीं, और अगर इस बच्चे को गिराने से भी अच्छा उपाय बताऊं तो? तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का खर्चा और देखभाल हम करेंगे, और जब तुम इस बच्ची को जन्म दोगी ना तो हम उसे उन लोगों को बेच देंगे जिनके बच्चे नहीं होते। तुम्हें इस बच्ची का 60,000 मिलेगा, हाँ अगर लड़का होता तो 75 मिल जाते। पर ये तो गलत है, ये तो जुर्म है, और अगर मैंने इस बच्ची को रख भी लिया और तुम बीच में मुझे छोड़ के चली गई तो? तुम्हें यकीन दिलाने के लिए ही तो यहाँ लाई हूँ, आओ तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। ये देखो, जब तक बच्चा बिक नहीं जाता हम उसे यहाँ रखते हैं, अब तो यकीन हुआ? और फिर तुम्हारे एक बच्चे के लिए मैं ये सारा बिजनेस छोड़कर तो नहीं भागूंगी ना? तो फिर सौदा पक्का समझो क्या? पागल हो गई क्या? कौन पागल है कौन पागल नहीं ये तो हम बताएंगे। सर, ये औरत पागल हो गई, इसे पकड़ लीजिए आप। सुनीता, जरा बताओ उसे अपने बारे में। सर, मैं एक प्रेग्नेंट लेडी के साथ साथ एक पुलिस वाली भी हूँ। पुलिस ने जिस नवजात बच्चे के मरने की बात कही है, मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरा ही बेटा है। ये मेरा बच्चा नहीं है, ये बेटी है, और मुझे बेटा हुआ था। PSI सुनीता के साहस से एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ था, अब पुलिस को कई मामले सुलझाने की चाबी मिल गई थी। अब शराफत से अपना मुंह खोल दो। साहब, मेरा काम तो सिर्फ बच्चों को खरीद कर बेचने का था। किसे बेचती थी? जोधपुर में क्लिनिक है, वहां पर ऐसे बहुत से जोड़े आते थे जिनका इलाज के बाद भी बच्चा नहीं होता था। वहां की रिसेप्शनिस्ट मेरी सहेली है, वो मुझे उनके नंबर देती थी और मैं उन्हें फोन करके बच्चा खरीदने का ऑफर देती थी। एक औरत होकर बच्चों की खरीद फरोख्त करते तुम्हें शर्म नहीं आई? सर, सर अलीगंज थाने से फोटो सर्कुलेट हुआ है। सर, वो लोग इस औरत को एक लड़की सोनम के गलत अबॉर्शन के कारण ही मौत के लिए ढूंढ रहे हैं। तुम्हारे कारनामों की फेरिस्त तो काफी लंबी है, अब शराफत से बता दो कि तुम्हारे इन कारनामों का सरगना कौन है। सब मत मारिए सर, मैं बताता हूँ सर, सब बताता हूँ। सोनम का अबॉर्शन मैंने ही किया था सर। सोनम के अबॉर्शन प्रोसेस में कुछ गड़बड़ हो गई थी, उसको बहुत ज्यादा इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। मैंने उसे कुछ पेन किलर्स और
खून रोकने के लिए ब्लड कॉगुलेंट्स देकर घर भेज दिया था। गड़बड़ नहीं करो, किसी के जान के साथ खेलना कहते हैं। तुमने अगर उसे घर ना भेजकर किसी हॉस्पिटल में एडमिट किया होता तो आज वो जिंदा होती। मेरी गलती की वजह से बीच सड़क में दम तोड़ दिया उसने। तूने फिर गुड़िया के बच्चे को क्यों मारा? सर वो मैंने गलती से गुड़िया की सोनोग्राफी रिपोर्ट में लड़के को लड़की पढ़ दिया था। सेक्स डिटर्मिनेशन एक क्राइम है, इतना तो तुझे पता ही होगा। फिर क्यों किया तुमने? तो गुड़िया के पति पीयूष के कहने पे। लड़का चाहिए था हमें, इसलिए करवाया था। पर जब हमें पता चला कि हमें हमें लड़की होने वाली है तो हमने डॉक्टर पार्थ की वो बच्चा बेचने वाली डील मान ली। डिलीवरी दिन पता चला कि पीयूष हमें बेटी नहीं, हमें बेटा हुआ है। नर्स ने मुझे बताया और मैंने खुद उसकी आवाज भी सुनी है। क्या लड़का हुआ है? हाँ। सर, बात तब खराब हुई जब पीयूष को बेटा हुआ, क्योंकि मैं बायर से पहले ही लड़की देने की डील कर चुका था और एडवांस पैसे भी ले चुका था, इसलिए मैंने बच्चे का सेक्स चेंज करने के लिए सर्जरी कर दी, लेकिन ऑपरेशन फेल हो गया और बच्चे की मौत हो गई। सर मैंने सोचा था कि प्राइवेट पार्ट काट दूंगा तो बायर को पता नहीं चलेगा कि लड़का है या लड़की, और पेमेंट भी पूरी हो जाएगी। सर उसके बाद हम डॉक्टर पार्थ से मिलने पहुंचे। ये क्या किया? ये क्या किया हमारे बेटे के साथ? मैं उस साले छोडूंगा नहीं। मैं तुझे पुष्प मुझसे गलती हो गई है। देखो मैं पहले तुम्हें 60,000 रुपए देने वाला था, अब मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए दूंगा और तुम इस मामले को रफा दफा कर दो। रफा दफा तो तुमको करूंगा, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ, सबके सबको हवालात भिजवा दो अभी। और खुद को भी, हम जाएंगे तो तुम भी अंदर जाओगे। ये मत भूलो कि तुमने अपनी होने वाली बेटी का सौदा किया हमारे साथ, और ये तो जानते ही होगे कि ये भी इलीगल है। अब देखो पीयूष, तुम अपनी बीवी को यही बोलने वाले थे ना कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है, तो तभी तो हम उसे बेच पा रहे थे। अब भी उसे यही बोलते ना कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। अरे लेकिन तुम्हारी नर्स ने गुड़िया के सामने सब बक दिया है, उसने बोला है कि लड़का हुआ है वो भी सही सलामत। अब तो हमें बच्चा चाहिए ही चाहिए, हमें बच्चा। अच्छा सुनो, मेरे पास 6 हफ्ते की एक लड़की है, उसे ले जाकर अपनी पत्नी की गोद में डाल दो और उसको बोल देना कि वो नर्स ने गलत बोला था, उसको बेटा नहीं बेटी हुई है। लेकिन गुड़िया ने कभी उस बच्ची को अपनाया ही नहीं, पता नहीं उसे उसे कैसे पता चल गया था। और तू, तुझे पता है भगवान के बाद अगर किसी को पूछते हैं तो वो डॉक्टर है, लेकिन तू डॉक्टर नहीं, राक्षस से भी बदतर है। तुम जैसे लालची लोगों ने ही डॉक्टरी जैसे नोबल प्रोफेशन को बदनाम कर रखा है। डॉक्टर पार्थ और सरला जैसे लोग पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सोनम की जान भी डॉक्टर पार्थ की लापरवाही से ही गई। पुलिस ये साबित करने में भी कामयाब रही कि वो बच्चा सोनम और उसके बॉयफ्रेंड रजत का था। पुलिस को गुमराह करने के इल्जाम में बाद में रजत को भी गिरफ्तार किया गया। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।